पावर्ड बाय शिक्षा और अनुसंधान 25 years of excellence. Associate sponsor. The right place for healthcare. Spurge Hospital. Shaukeen Ortho Mattress. Most preferred and awarded mattress brand. नमस्कार शक्ति ओडिशा पावर बाय शिक्षा अनुसंधान को पुणि थर वेलकम कर विकास दर्शक बंधु सबुदिन भाई आज आम सहित हॉकी को लेकिन आलोचना करने स्टूडियो रे एक्स हॉकी प्लेयर अच्छा सहित आम सहित फिल्ड रु गेस्ट रे सीधासलख राउरकलू सीनियर हॉकी कोच विजय लाक्रा सर कि स्टूडियो जी अच्छा सहित परिचित कराई देखिए आम सहित स्टूडियो अच्छा ज्योति भाई जे कहींपर 20 years तले ओडिशा हॉकी रे गोटे परिचित ना थे ज्योति भाई वेलकम करुच्छे प्रथम तो आपको आउ मात्र 2 दिन समय रही जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप को ओडिशार 3 पिला अच्छा टीम रे फ्रांस सहित मुकाबला होम देखुं जूनियर हॉकी विश्वकप मैच रे ओडिया पिला अच्छा एथर टीम इंडिया विजय भूमिका के लोकाल पिला हिसाब से आमको तो जी 3 जन भी बेस्ट 11 रे खेल कथा आम चाहू समस्ते 3 जन जाक बेस्ट 11 रे खेल ओके दरकार ओके खेल तो टीम इंडिया को मान को बेस्ट 11 रख को मैंने सब्स्टिट्यूट रख से देखा पड़ो कि जेहेतु ओडिशा मैच होमर जो 3 पिला अच्छा अभिषेक कहतु सुदीप कहतु सुनील कहतु 3 जन डिफेंडर अच्छा सुदीप फरवर्ड खेल कहुए हॉकी रे फरवर्ड और डिफेंडर मैंने अधिक गोल आणिक टीम दिखते एमानकर चांसेस अच्छी टीम रे खेलबा पई ग्राउंड रेड मध्ये आगुर कइचा सारचंती जे जो प्लेयर मानकु से सिलेक्ट करचंती समस्त प्राय तो ओडिसार प्लेयर मानकु अधिक सुजोग मिली पारे कारण से माने बहुत अटैकिंग अछंती हां हां को लागु छे माने टीम रे तो रहिबे निहाति भाबरे प्रथम मैच फ्रांस सहित अछि फ्रांस रो भी बहुत भलो टीम अछि एबे देखिया कोले हमर हमर जो टीम अछि सुदीप हमर ओडिसार मध्ये प्रथम फॉरवर्ड प्लेयर से तो भल खेल आगुरी मैच गुड़ा देखी आउ डिफेन्स भी भल अच्छा पिला निहाती आम पिला माने ओडिशा लोकल ग्राउंड रे खेल दबदबा तो जमी रही ये छोट छोट पिला माने जूनियर टीम को रिप्रेजेंट कर स्टेपिंग स्टोन थाए सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करने 3 जन प्लेयर मानक विश्वकप्रे प्रदर्शन भल कले सीनियर इंडियन टीम को तो रिप्रेजेंट करने बाट सहज हो निहाती सहज हो आम सीनियर भाई अच्छा लाजरुस बार्ला दिलीप तिर्की जमती खेलने पर आस्ते आस्ते रोशन बहुत पिला आसिले इंडिया टीम रे एबे जो माने सुदीप सुनील आ अभिषेक अच्छा से माने भल खेल निहाती छोट पिला गुड़ा भल खेल आसबे द्वारा जो फेर चाहिए सुंदरगढ़ को कहुए हॉकी गड़ आप टाइम को फेर चाहिए जो छोट बल थे से छोट छोट पिला हॉकी को ही समस्ते छोट बल चूज करते खेल आम हॉकी ही खेलु यहाँ तो गोटे प्रकार कल्चर हो गला मैंने आम छोट थी से बापा कि दादा खेलुले देखी देखी आम बयस 5 वर्ष से हाथ धरिकी ने से ग्राउंड बसाऊ टे बड़ है फाइव सिक्स इयर्स है आम निजे खेल आरंभ कल गोटे ग्राउंड करदे बापा भाई मैंने देखिले जे छो पिला गुड़ा भी खेलिए आमपाई गोटे अलग ग्राउंड समस्त हॉकी खेल समस्त घर हाँ मैं क्रेज हॉकी क्रेज अच्छी तो क्रिकेट कि फुटबॉल क्रिकेट क्रिकेट और फुटबॉल नहीं मैं हॉकी ही हॉकी हॉकी ही हॉकी हॉकी आगर बॉल गोटे मिलेगा मैंने 25-30 जन लोक खेल पार कहे हॉकी रे तो हॉकी खेल सुज दरकार हॉकी स्टिक दरकार केमती पिला माने खेलंती छै नै सेते बेले सुज तो नथिला कि बूट नथिला कि आसुटॉप तो आमे देखि नथिला आमे 86 परे देखिलु आसुटॉप अछि बोली कि जेतले स्पोर्ट्स हॉस्टल आसिलु दिल्ली रे टूर्नामेंट हेतिला हमर नेहरू तापर देखिलु किंतु गाँव में जिते थूँ से तो जूता कि बुट ना सेमती खाली पाद समस्ते खेलती बापा दादा मैंने समस्ते खेलती कि बड़ भाई मैंने से खाली गोड़े खेलते आम भी से आरम्भ तो हॉकी स्टिक हॉकी स्टिक गोटे गाँव में केन्दु गच बोली केन्दु तो समस्ते जानते
ताकू एमती बंगा कर गरम करके से तांतु छचा होतला सीधा हॉकी स्टिक बळे करा होतला जो लोकल टूर्नामेंट होतला से लोकल टूर्नामेंट पळंदे प्रति सप्ताह रे किछि ना किछि लोकल टूर्नामेंट कोटे नडिया भी आपनकर प्राइज रहिबो नडिया भी प्राइज रहिबो आउ सब कोन प्राइज रहो तापरे आस्ते आस्ते दी तीनटा टीम जदी दी तीनटा गां आसीले कोटे कुकुड़ा प्राइज रखिबे खासी भी गोटे प्राइज रही है से 10-15 गाँ हेले गोटे खासी प्राइज रेती गाँ बढ़ी गाँ टीम पार्टिसिपेट करेंगे सेमतिया प्राइजा बढ़ी बढ़ी जी अच्छा ना आलोचना करवा निहतार बहुत रोचक कथा अनेक दर्शक बंधु अच्छा ओडिशा जो हॉकी को हे तो ये जाणी ना आम कहीपर इंडिया तो गोटे क्रिकेट क्रेजी कंट्री जोटी हॉकी को एतटा प्रशंसक मिल न था कि धीरे धीरे ओडिशा प्लेयर्स मानक जो भाव फैन फॉलोइंग बढ़ला निहत भाव आलोचना करवा आम सहित विजय भाई करुँच ज्योति भाई आम सहित कोच सीनियर कोच विजय लाक्रा सार जोड़ी राउरकेलू विजय सार सहित आलोचना करवा अमित रोहिदासकर कोच से रही सीधासल जोड़ी जाती पाखक जावा विजय सार फर्स्ट अफ अल वेलकम करी आपको शो को बहुत प्राउड फिल करुवे आपंकर स्टूडेंट जी अच्छा अमित रोहिदास से तो कमाल करदे ब्रोंज जिताई दे टीम को बर्तमान जूनियर हॉकी विश्वकप अच्छी उड़िया पिला तीन जन अच्छा केम देखुं पूरा वर्ल्ड कप रे उड़िया मान प्रदर्शन एथर केम रोक हाँ मत निश्चय जितेबा पिला जो भी खेलती ओवरऑल आउटस्टैंडिंग पिला ही जाते तेणुक आम विश्वास करुच्चे आम जो तीन जन पिला अच्छा बॉयज सेक्शन में गर्ल्स से मैंने उन्नतर खेल खेल आ कन्फिडेंटली खेलते आम जो जितके भी पिला आम जाते खेलते भी टैलेंटेड प्लेयर रहा तेणु मुझे विश्वास अच्छी ये जूनियर वर्ल्ड कप रे भल प्रदर्शन करेंगे निहतर विजय सर जानवाक चाहिए जे आप अमित रोहिदास को मध्य ट्रेनिंग देखती विशेषकर से वर्ल्ड रे कहीपर हॉकी स्टार भाव अच्छा अनेक फैन्स अच्छा केमती थी आप अनेक स्टार कहीपर 30 रु अधिक इंटरनेशनल स्टार क्रिएट कर पिलामानंकर इच्छा केते थाए हॉकी खेलवाई केते संघर्ष करने को पड़ता है आपन को आज ए टीचर हॉकी कोच तांकु ट्रेनिंग देवाई और सेमानंकर निजर शिखिबार इच्छा केमती थाए हाँ नेचुरली आम जेहेतु ये पिला आसती समस्त आग्रह खेल खेल थाए आ विशेषकर मुझे कहे गोटे हॉकी गोटे आम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कल्चर बोली कह अतिक्त हो ना तेणु जिते बारे हॉस्टल को आसती प्रति छोट छोटे आम बेस शिखाई था टे वर्ष दु वर्ष है जानवर बयस आसापर आम गोटे गोल सेटिंग करूँ मु प्रथम पिला गोल सेटिंग कै जमीक गोल कौन जेहतु पिला जन खेल आसी था प्रति पिला टैलेंट था कि समस्त जब गोल सेटिंग है निश्चय ही से पिला भल खेल था जब टैलेंट थे कि पिलार जब गोल न थाए तो से पिला टैलेंट थे भी नष्ट हो जाए तेनाली अमित जो कहते से पिला पाखे मुझे भल टैलेंट थी कि प्रति जगह मुझे राइट आउट भी खेलाऊ इवन तक गोलकीपर भी खेले कि जो खेलुला तो पाखे शॉट गुड़ाक कि स्पीड गुड़ा बहुत बढ़िया रोला तेणुक ड्रैग फ्लिक भी चेस्टा करी आते 2009 मसीह से प्रथम जूनियर इंटरनेशनल खेलने से मोर बंधु जन जलंधर थे पंजाब कोच जाते टीम से कहले जे रे यार विजय कि ओडिशा एक बहुत अच्छा लड़का निकल रहा है जो युवराज सिंह है उसका जगह ले लेगा ड्रैग फ्लिक में क्योंकि काफ़ी अच्छा खेल रहा है और वही लड़का ज़्यादा गोल किया है मतलब तुम कहली सर वो तो मेरा लड़का है तो आप उसको क्यों नहीं लाए ऐसे कहले सर अभी इंटरनेशनल हो गया इसलिए छोटा टूर्नामेंट नहीं लाया से कहले जे एक लड़का है यार रसाई में वो बहुत अच्छा खेलता है और वही लड़का एक दिन युवराज सिंह का जगह ले लेगा और सत को सत से पिला आज जो गुण था ता पाखे जूनियर खेल पर किसी दिन पर सीनियर कैंप रु बाद पर भी संघर्ष जो फिल्ड को आसाला तापर मुझे गर्व अनुभव करे एवं जमी मो पा सुदीप चिर्मा को अभिषेक लाक्रा अच्छा मुझक गर्व मन करे से दुटा पिला को मुझे ट्रेनिंग दे तेणुक मुझ गर्व मन कै जे कि आम जिते सब कचे प्रेरणा जी ट्रेनिंग दे सफल होती
ତେଣୁ ପ୍ରତି କୋଚ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନେକ ରହିଛି, ଅମିତ ସୁନୀଲ ସୁଦୀପ ଏମିତି ପ୍ଲେୟାର ଅନେକ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ, ଅନେକ ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ବ୍ଲକରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିକି ଆଣିଥାଉ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେବା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲକୁ ଆଣିଥାଉ। ଯେଉଁ ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମର ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ମୁଁ ଭାବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇକି ଭଲ ପିଲା ବାଛି ହୋଇକି ଆସନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜୟ ବାବୁ, ବିଜୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କୁ ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବଛାଯାଏ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଣାଯାଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ବିକାଶ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରିବା, ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁକି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା ଅଛି। ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେତେ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, କାରଣ କହିପାରିବା ଆଉ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟକୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଶେଷ ଦଳ ଭାବେ ଇଜିପ୍ଟ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସମସ୍ତ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଯାକ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି ସାରି ସେମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତକାଲି ଠାରୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବେଲଜିୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟୁଏସଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତ ଟିମ୍ ଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ଯୋଉ ପୁଲ୍ରେ ରହିଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଲ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିଏକି ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ଯଦି ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଅତି ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଖେଳ ବି ହଉ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବେ ବି ହାଲୁକା ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଖେଳ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଏସଏ ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାନାଡା ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଏସଏ ଟିମ୍କୁ ଯୋଉଟାକି କୁହାଯାଉଛି ମିନି ଭାରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଦେହରେ ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବେ କାନାଡା ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ଟି ହେଉଛି, କିଛିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସିନା କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୁଏ, ତ ଏଥର ଦର୍ଶକ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ରିଆକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଜୁନିୟର ହକି ମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍କୁ ନେଇ। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିନେବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ରହିଛି। 24 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଯେମିତି ଏଥର ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ଜୁନିୟର ମେନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା କି ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର୍ ଅପ୍ ଓ ସପୋର୍ଟ କରିବା।
चेक दे इंडिया चेक दे ओडिसा। आसंता नवंबर 24 तारिख रे जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाउची। यह आम खुशी कथा गौरव कथा है यह आम ओडिसा अनुषित हम आसतु समस्त मिसा इंडिया को चीयर अप करवा एंड सपोर्ट करवा चक दे इंडिया चक दे ओडिसा। आसंता नवंबर 24 तारिख रे जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप अनुषित होमपाई गर्व आ गौरव विषय कारण यह आम ओडिसा रे अनुषित होणु आसतु आम समस्त मिसी इंडिया को सपोर्ट एंड चीयर अप करवा चक दे इंडिया चक दे ओडिसा। आसंता नवंबर 24 तारिख रु जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ होउची एंड आपण समस्ते खुशी हेबे एक कथा जानिले जे ए वर्ल्ड कप टी आम ओडिसा रे अनुष्ठित होउची। सो मु रिक्वेस्ट करिवि आसंतु समस्ते मिले मिसि कि आमर टीम इंडिया को आम सपोर्ट करिवा एंड चीयर अप करिवा एंड समस्ते मिसि कि थरे कहि दबा चक दे इंडिया एंड चक दे ओडिसा। आसंता 24 तारिख नवंबर ठारो आरंभ हेबा को जाउची एफआईएच टूर्नामेंट यह आम ओडिशार अनुष्ठित होइतबारु आमे बहुत गर्व अनुभव करुछे। आसंतु मिलेमिशी आम इंडिया पाई चेयरअप एवं सपोर्ट करिया एवं भगवान को प्रार्थना करिबा आम इंडिया टीम पाई चक दे ओडिशा चक दे इंडिया। स्टेडियम को फैंस माने जाई परिबेनि किंतु सोशल मीडिया रे जोरदार समर्थन निज टीम पाई बिजय भाई फिर भी आपन पाखु को ज्योति आई क्षमा करिवे ज्योति आई जो भाव विजय सार पूर्व कहते जे बहुत संघर्ष करवाकूँ जो रॉ टैलेंट मानू खोजापाई कि गोटे जावाक पड़ता है जोनाल लेवल ले, डिस्ट्रिक्ट लेवल ले, जो सब गाँ रही आपण टाइम आपड़े खेलुले कमी सिलेक्ट करते आसिक आडमिनिस्ट्रेटिव लेवल रू कि सीनियर कोच मैंने थामती प्रोसेस थाए ना आम समय एका थे सब ब्लक को ये करदे सर्कुलर करदे से सर्कुलर ब्लॉक रु हाई स्कूल कि एम ई स्कूल सर्कुलर कराही बोधे सीटा एका थरे गोटे आट ए टाइम गोटे पानपोस उदित नगर रे सिलेक्शन टाइला से बेसी पिला भी आसी नथिले तले हेइ थबो 100 जन खंडे आसीथिले से भितर आम 22 जन फास्ट सिलेक्शन पाइलु आ फास्ट रहिलु तापर ता परवर्ती समय रे नेशनल टैलेंट कॉन्टेस्ट NSTC गोटे आसला टूर्नामेंट जोटा छोट पिला मैंने 12 वर्ष रु कम पिला स्कूल रु गले ओडिशा तरफ रु से मैंने 9 जन खंडे आसिले एमती है कि आमर फास्ट सिलेक्शन टा सी प्रक्रिया रे है। अगुरु आपनो टाइम रो जने प्लेयर थिले सरोज टप्पो से अगुरु आसीथिले जे शेयर करथिले गोटे मेमोरी जे छोट बेले से सुनि चंदी जे ध्यानचंद जे हॉकी लेजेंड अच्छा सी थे सुंदरगढ़ आसते सत कथा ये आसते आमे भी सीनियर जो प्लेयर मैंने अच्छा से मैंने कहते मुझे शुणी से आसिक माने कहीं रही देखे कह 20-30 वर्ष हम हॉकी सुंदरगढ़ हॉकी गड़ बोली चर्चा किंतु ध्यानचंद केबे कार सेतबळ रो समय 30 40 रो सेतबळ बोधे जन्म हे नथिलु कि कोन हेतिबो माने सी भी जानथिले सीनियर प्लेयर मान को सुनी कि एटा कहि बारु छै हम कोन सुनीथिले जे ध्यानचंद आसी कोन करथिले ध्यानचंद बाबू आसीथिले माने गोटे गां रे रहीथिले रही कि जो खासी टूर्नामेंट कुकुडा टूर्नामेंट हुए सेटा देखीथिले सेटा सुनी छुआ हम कौन थाए विशेषत्व खासी टूर्नामेंट जे ध्यानचंद भी आसी देखती कौन हुए से टूर्नामेंट से टूर्नामेंट है मैंने गोटे मेला भले आई जाए मैंने प्रत्येक घर स्त्री पिला छुआ समस्ते जीवे से गाँ जो जगार टूर्नामेंट हो स्त्री छुआ पिला समस्ते बाहर से खावापी तो आगुरी दिया हो ना एबे गोटे गोटे जगार खावापी भी व्यवस्था करा समस्त को खाया दिहर टूर्नामेंटा चलुच आगुरु सेमती ना घर सका भात बोहिक ने आम मोर मन अच्छी मु क्लास 9th थिला बेले छत्तीसगढ़ जा खेल दादा काका दादा बाबा मान सागर से बर्षा पा एमती नई में बर्षा पड़े मत सैकिल टेकिक पारे टेकिक पारे से चंपियान भी किए आसलु से मोर खेल शिखी जा वर्ष पखापाखि 1.5 वर्ष हॉस्टल स्पोर्ट्स हॉस्टल कोच सार ज्योति भाई अनेक सारा मेमोरीज अच्छी आपणकर हॉकी को लेकिन सुंदरगढ़ अनेक कहानी रही दर्शक बंधु आम आलोचना करवा विजय सार रिएक्शन ना कि नहीं आउ एक छोट कमर्शियल ब्रेक
ब्रेक पर शक्ति ओडिशा को वेलकम करुच्छे दर्शक बंधु विजय सारक राउरकेलूर आम सहित अच्छा से शेयर करते कथा जे से कमी प्लेयार सिलेक्शन करते विजय सार फेर को चाहिए और रिएक्शन नाक चाहिए अमित रोहिदास कथ आम कह आपक प्लेयार को सृष्टि करते प्लेयार मैंने जाकि इंडियान टीम को रिप्रेजेट कर टीम को सफलता अपकमिंग जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कथा कहवा मेन्स और वुमेन्स दुईट टीम आमर पांच जन ओडिया प्लेयार आप कौन लगुच परफॉर्मेंस निहत भाव टीम विनिंग रे बड़ भूमिका तो ग्रहण कर निश्चय कहीं कह जेहेतु आम अभी सलखरा अच्छे से डिफेंडिंग भल करे आउ सुदीप चिर्मा को जे अच्छे फॉरवर्ड लेन रे बहुत बढ़िया मैंने पाखे ये कैपेसिटी अच्छे जे सिंगल अभी जड़े डजिंग कि पेनिट्रेसन करके पिला को गोल मार गोल कर क्षमता अच्छे तेणुक मुपर सुनील अमर जो जजो अच्छे से भी डिफेन्स प्लेयर से भी पाखे बहुत बड़ा टैक्लींग कैपासीटी अच्छे इंटरसेप्शन कैपासीटी अच्छे इवेन मुझे कहि अभिषेक पाखे भी पेनाल्टी कर्णर डिफेंडिंग फास्ट रसर क्वालिटी रही है आउ इवेन पाखे ड्रैग फ्लिक भी कैपासीटी रही है मुझे जिते टीम नौकर से ड्रैग फ्लिक भी करूला आउ पेनाल्टी कर्णर डिफेंडिंग फास्ट रसर भी अमित रोहिदास से बाहर था तेणुक मुझे निजी को फिल लगुच्छे आम टीम निश्चय जितब जूनियर वर्ल्ड कप रे निहत भाव में विशेष जानवाक चाहिए आप जो छोट छोट पाला ट्रेनिंग दिखती से पाने घर ठू दूर आसी रोते से डिसिप्लीन केमती मेन्टेन करते निहत भाव छोट छोट पिला से गोटेपटे हकी गोटेपटे घर दूर से रही केमती आप कंट्रोल करते केमती से बुझाते केमती हकी ट्रेनिंग दिखती से मैं जिते प्रथम कर समस्त होम सिकनेस रही था तेणु जिते बिल आम ये आसती बापा मार भूमिका निभाक पड़ता है से आम मिसी जाऊ मिसापर ताको कौन सी मानने कौन सी गाली गोल गोटे खेल मध्यम जमी ये हॉस्टल प्रति रहा आग्रह बढ़ मिसी जाऊँ रिक्रिएशन गेम रही था धीरे धीरे एमती कर मनटा बदली जाए खेल प्रति आग्रह बढ़ी था आउ धीरे धीरे से घर इच्छा भी भूली जाती तेणुक लास्ट छुट्टी हेले भी कहे सार आ मैंने कहती केवे हॉस्टल खोल सार कहते तेणुक आम जो घर को घर ये आस प्रथम आम खेल मध्यम रिक्रिएशन गेम देखिए घर जो सिकने होम सिकनेस छड़े था मिसिकी से भल कथबार्ता कर भल किसी मोटिवेशनल टॉक देकी कि भल भल सक्सेसफुल प्लेयर को कहानी कहीकि हॉस्टल रखी था जहाद्वारा कि मनटा परिवर्तन होता है समस्ते एमती कहला बेलू जमी दिलीप तिरकर भी एग्जांपल देवी कि तार कहानी सुनाइले सेमती हेबा को सुन इच्छा करत थांती नियत बारे विजय सर आपन कर भली कोच ही सृष्टि करंती प्लेयर ओडिसा को जो माने कि नेशनल रे इंटरनेशनल लेवल रे रिप्रेजेंट करंती एवं राज्य रो ना अधिक गौरवमय करंती बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर आम सहित जोड़ी हितबारु एवं अनेक गुडी शेयर करने इनपुट आम सहित विजय सर थे जी आलोचना करते तेज हॉकी खेल रे वुमेन्स टीम रे ओडिया अच्छा ता सहित झारखंड रू भी किसी खेला अच्छा जो मैंने स्ट्रगल करी जाकि टीम रे जगह पहुँचाई अनेक संघर्ष कर गरीब परिवार आसी किंतु खेल दमदार देखे साउथ आफ्रिकार हाँ जाऊँ वुमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ताकि टीम रे सिलेक्शन होती सेमती जन प्लेयार को आम रिएक्शन नहीं ब्यूटी डुंगडुंग ना केमती थी संघर्ष आसन सुनवा कैसा लग रहा है आपको पहली बार थैंक यू सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जूनियर वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो गई हूँ तो बहुत खुशी हो रही है सर तो कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन हमारा प्रिपरेशन तो सर बहुत ही अच्छा चल रहा है टू वीक्स पहले हम सीनियर से मैच खेले थे फाइव मैचेस खेले थे तो हमारा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा था बहुत टफ मैच थे सीनियर के साथ भी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है सर कैसा था सफर हॉकी में कैसा है आप बहुत ही अच्छा था सर क्योंकि मेरे माँ बाप भी पहले से ही बचपन से बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे घर वाले सब तो मुश्किल बहुत हुआ बट सभी बहुत सपोर्ट किए तो इधर झारखंड रो प्लेयर जे कहते शेयर करते कि भाव समस्या होती किंतु से टीम इंडिया रे जगह पक्का करम सहित ज्योति भाई आलोचना करते कि भाव झारपर सुंदरगढ़ में हॉकी को लेकिन रही है एवं क्रेज छोट पाने रही बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति भाई आम सहित आलोचना करें चकदे ओडिशा बर्तमान समय हो जाएगी
आम आलोचना करवा आज जन गेस्ट सहित पुणि थे आसंता का तेज दुई दिन रही मैच को किंतु आज विदा दिंतु चकदे ओडिशा पावर्ड बाय शिक्षा अनुसंधान को यही रखा विशेष उपस्थापन को।